एपिसोड 155, म्यूजिक इन द वैली। अनिरुद्ध बिल्कुल सही बोल रहा था। विधि पिछले कुछ दिनों से आराम कर रही थी। इस तरह का एटीट्यूड किसी आर्टिस्ट को ऊपर तक नहीं ले जा पाता। वो अपने अपॉइंटमेंट्स के बारे में भूलकर कैसे इतने दिनों तक गायब रह सकती थी। विधि ने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से जाने के बाद वो अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगी और इस बेकार फोन को बदल देगी जो कि इतने दिनों से खुद ही स्विच ऑफ हो रखा था। हाँ, नींद में होने की वजह से विधि के मन में जरा भी ख्याल नहीं आया कि ये फोन मोहित ने स्विच ऑफ किया होगा। इधर उधर की बातें सोचते समय अचानक से विधि को अपना हाथ हल्का महसूस होने लगा और तभी उसने ध्यान दिया कि मोहित ने उसके हाथ से उसका फोन ले लिया है। हेलो, वो बोला। मोहित की आवाज सुनते ही फोन की दूसरी तरफ से चिल्लाने की आवाज रुक गई। हेलो हेलो, मोहित एक बार फिर से बोला। अचानक ही अनिरुद्ध ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मोहित, तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरे बॉस होने का फायदा हमेशा उठाते रहोगे? मैं जानता हूँ कि तुमने ही विदुषी को मुझसे छुपा कर रखा होगा। तुम्हारे अलावा ऐसा काम कोई और नहीं कर सकता। तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? क्या तुम अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी पर ताला लगवाना चाहते हो? तुम किस तरह के बॉस हो? अपने एम्प्लॉइज को कौन डरा कर रखता है? और अगर तुम इतने ही फ्री हो तो अपने टाइम पास करने के लिए तुम अपनी खरीदी हुई सारी प्रॉपर्टीज को एक बार जाकर घूम के आ जाओ। तुम अपना टाइम पास करने के लिए वेविनार्स एंटरटेनमेंट मत आया करो। तुम अपना गंदा इन्फ्लुएंस मेरी आर्टिस्ट पर डालना बंद करो। मोहित से बात करते हुए भी अनिरुद्ध की आवाज धीमी नहीं हुई। विधि मोहित के साइड में खड़ी हुई अनिरुद्ध की सारी बातें सुन रही थी। विधि ने मोहित को तिरछी नजर से देखते हुए राहत की सांस ली क्योंकि अब वो अकेली अनिरुद्ध की फ्रस्ट्रेशन का टारगेट नहीं थी। हालांकि विधि अपने मन में बोली, अनिरुद्ध, क्या इस तरह अपने बॉस पर चिल्लाना तुम्हारे लिए सही रहेगा? अनिरुद्ध ने मोहित को अपना लेक्चर देना जारी रखा पर मोहित फोन नीचे रखकर अपने बाल ठीक करने लगा। फाइनली मोहित ने फोन उठाया और हंसकर बोला, अनिरुद्ध, अगर मैंने तुम्हें फिर कभी विदुषी को डांटते हुए सुना तो मैं तुम्हें तो तुम मुझे क्या नौकरी से निकाल दोगे? अनिरुद्ध एक बार फिर से चिल्लाया, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो निकाल दो मुझे, मैं विदुषी को लेकर टाइम म्यूजिक एंटरटेनमेंट चला जाऊंगा। हे अनिरुद्ध, अगर तुमने गलती से भी आरफ कपूर पर इस तरह चिल्ला दिया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, विधि ने अपने आप से कहा और मोहित को देखने लगी। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा? मोहित चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोला, मैं तो बस तुम्हारा फोन काट दूंगा। विधि की बोलती बंद हो गई और अनिरुद्ध के पास भी मोहित की बात का जवाब नहीं था। मोहित आगे बोला, तुम तो अच्छे से जानते हो मैं अपनी बात का बिल्कुल पक्का हूँ। मोहित, तुम सबसे बेकार बॉस हो, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना बंद करो। मुझे अभी के अभी विदुषी से बात करनी है। अनिरुद्ध उससे परेशान हो गया, तुम अब विदुषी को डांटोगे नहीं है ना? तुम्हें मेरी और विदुषी के बीच आने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी कोई आर्टिस्ट गलती करेगी तो मैं इसको जरूर फटकार लगा लूंगा, वरना वो सीखेगी कैसे? तुम खुद एक बॉस हो, तुम्हें तो पंक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब देने के लिए 3 सेकंड है। अगर तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं फोन काट दूंगा। तुम फिर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे तो वो तुम्हारे प्यार में बिगड़ जाएगी। 3, अगर ऐसे ही वेवे डांस एंटरटेनमेंट के सारे आर्टिस्ट अपनी मर्जी चलाने लगे तो जल्द ही हम दोनों सड़क पर नजर आएंगे। 2, मोहित उसकी हर बात को इग्नोर करता हुआ 3 तक गिनती गा रहा था। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, अब जल्दी से उसको फोन दो। देखो, अनिरुद्ध को लाइन पर लाना कितना आसान था। विधि को फोन पकड़ाते हुए मोहित ने अपनी बात को बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। विधि ने मोहित के हाथ से फोन लिया और ध्यान से बोला, हेलो। अनिरुद्ध ने मोहित को वादा किया था कि वो विधि से अब कुछ नहीं कहेगा, इसलिए वो बस गुस्से में बोला, विदुषी, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल के इन्विटेशन हमारे यहाँ आ चुके हैं, अब हमें उस फेस्टिवल के लिए अपनी तैयारी करनी है। मैं तुम्हें उस फेस्टिवल में बेस्ट न्यू कमर अवार्ड जिताना चाहता हूँ और इस वजह से मुझे तुम्हारी पॉपुलैरिटी को बिल्कुल पीक पर पुश करना पड़ेगा। म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल, इस वजह से ही अनिरुद्ध इतना गुस्सा कर रहा था। ये इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पॉपुलर म्यूजिक फेस्टिवल था। असलियत यह है कि फेस्टिवल साल में एक बार होता था और इस फेस्टिवल में किसी भी आर्टिस्ट को नॉमिनेट होने के लिए पब्लिक खुद चूज करती थी। पब्लिक के हाथ में 10 या उससे ज्यादा नए आर्टिस्ट को चूज करने की पावर थी। सेलेक्ट हुए सिंगर्स को फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता था। अगर विधि इस फेस्टिवल में अवार्ड जीत गई
तो लोगों के बीच उसका नाम हो जाएगा। अपनी पुरानी जिंदगी में विधि ने ऐसे बहुत सारे अवार्ड जीते हुए थे। उसके जैसे सिंगर मनप्रीत सिंह, गौर सक्सेना, हर्षा सिंह, इन सभी बेस्ट ए लिस्ट सिंगर्स ने भी ऐसे अवार्ड जीते हुए थे। विधि ने अनिरुद्ध को बोला, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। फोन काटने के बाद विधि पीछे मुड़ी और उसने मोहित को अपनी तरफ गंदे एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए देखा। विधु, तुमने मेरे साथ डिस्कस भी नहीं किया। मोहित उसके पास आया और उदास होने का झूठा नाटक करते हुए उसने विधि को गले लगा लिया। विधि अपने पैर के अंगूठे पर खड़ी हुई और मोहित के सर पर हाथ फेरने लगी। तुम अब अच्छे बच्चे बन जाओ और मुझे मेरे काम से डिस्ट्रैक्ट मत करो। हर बार की तरह मोहित के बाल छोटे और फ्लफी हो रहे थे। विधि का हाथ ढंग से ना पहुंचते देख मोहित ने अपना सर नीचे झुका लिया और कंप्लेन करने लगा, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। मैं तुम्हारे पैसों पर नहीं जीना चाहती। ये बोलकर विधि अपने और मोहित के बीच का हाइट डिफरेंस महसूस करने लगी। मोहित उससे कम से कम 1 फुट बड़ा था। इस रियलाइजेशन ने विधि को थोड़ा उदास कर दिया। वो अब 18 साल की हो चुकी थी, इसका मतलब अब उसकी हाइट बढ़ने के चांसेस बहुत कम थे। विधि ज्यादा लंबा नहीं होना चाहती थी, वो बस चाहती थी कि उसका अपना सर ऊंचा करते हुए मोहित को ना देखना पड़े। हाइट डिफरेंस के बारे में सोचते हुए विधि ने मोहित को कुछ कहते हुए सुना, वी आर फैमिली, तुम हमारे पैसों के बीच में डिफरेंस को इतनी आसानी से कैसे देख सकती हो? मैं भी तो तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्या? मोहित उसको हैरान होते हुए देखने लगा। मैंने कहा मैं भी तो तुम्हें हर चीज प्रोवाइड कर सकती हूँ। विधि ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और उसके गालों पर बड़े प्यार से रख दिए। तुम्हें बस मेरी डीवा बनने का इंतजार करना पड़ेगा। मैं कुछ साल और मेहनत कर लूं। मैं जब डीवा बन जाऊंगी तो बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। फिर हम दोनों मेरे पैसों से पार्टी करने चलेंगे और बहुत सारा खाना खाएंगे। विधि अपनी बात बोलते हुए मुस्कुराने लगी। विधि के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर मोहित की आंखें चमक उठी। तुम्हारे प्लान सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं जरूर तुम्हारे डीवा बनने का इंतजार करूंगा। मोहित और विधि वापस चंडीगढ़ आ गए। म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल की तरफ से इस बार वेवी डांस एंटरटेनमेंट के 7 लोगों को इनविटेशन मिला था। अनिरुद्ध, विदुषी, रोहन और उसके पार्टनर शिव के साथ बाकी के 3 और पॉपुलर सिंगर सत्या चक्रवर्ती, लड़कियों का दिल चुराने वाला जीवा राठौर, लड़कों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली चैतन्य कुमारी, अपनी अदाओं से लोगों का दिल बहलाने वाली। उस समय पर ये 7 लोग एक मीटिंग रूम में इकट्ठा होकर मेघना की कमांड को सुन रहे थे। मैं इस म्यूजिक फेस्टिवल के बैकस्टेज ऑपरेशन की इंचार्ज हूँ, मेघना ने कहा। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक कलर का ब्लेजर पहन रखा था। मेघना के ब्राउन हाइलाइटेड बालों ने 7 लोगों की नजरों को अपनी तरफ खींच रखा था। वो सिल्वर कलर के सोफे पर अपनी टांग के ऊपर टांग रखकर बात कर रही थी। उसकी नजर 7 लोगों पर ध्यान रख रही थी, सत्या, जीवा और चैतन्य। मैं तुम लोगों को ज्यादा नहीं समझाऊंगी, और तुम तीनों ने पहले भी म्यूजिक फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मुझे लगता है तुम तीनों अच्छी तरह से ऐसे फेस्टिवल के बारे में जानते हो। मैं अपना ध्यान तुम चारों पर ज्यादा रखना चाहूंगी, अनिरुद्ध, विदुषी, रोहन और शिव। तुम चारों ऐसे फेस्टिवल में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं तुम सबको इस कॉम्पिटिशन के रूल्स समझाऊंगी। अनिरुद्ध पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है? विधि इस बात को सुनकर हैरान हो गई और अनिरुद्ध को देखने लगी। अनिरुद्ध का ध्यान विधि की नजरों पर गया और अपने कंधों को ऊंचा करता हुआ बोला, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही होती तो मैं फेस्टिवल को इस बार भी अटेंड नहीं करता। मेरी वजह से? विधि उसकी बात सुनकर और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। मेघना का ध्यान उन दोनों की बातों पर था, इसीलिए वो विधि को समझाते हुए बोली, विदुषी, अनिरुद्ध सही कह रहा है, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वरना उसको हर साल इन्वाइट किया जाता है लेकिन वो मना कर देता है। इस साल अनिरुद्ध ने तुम्हारा सपोर्ट करने का डिसाइड किया है, और वैसे भी हमारे पास वेवी डांस एंटरटेनमेंट से विदुषी, रोहन और बाकी के सारे कंटेंडर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग हैं। इस बार का कॉम्पिटिशन जरूर टफ होगा। बाकी अनिरुद्ध तुम सबके लिए वहाँ पर रहेगा, तुम सभी अपनी परेशानी लेकर उसके पास जा सकते हो। अनिरुद्ध के जेस्चर से विधि को अच्छा महसूस होने लगा, ऑकवर्ड भी महसूस हुआ क्योंकि अनिरुद्ध ने अपना सपोर्ट बाकी सभी लोगों के सामने दिखा दिया था, और ऊपर से सब लोग जानते थे कि अनिरुद्ध और मेघना पहले ही विदुषी को सपोर्ट कर रहे हैं। विदुषी, तुम वहाँ पर अच्छी तरह से परफॉर्म करना, मेघना ने अपनी बात को खत्म नहीं किया था। और इतने में रोहन ने विधि की पीठ पर हाथ रखा और अपने खूबसूरत चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लाकर बोला, अगर हमारी पॉपुलैरिटी तुमसे कम नहीं होती तो मैं कभी भी तुम्हें अवार्ड जीतने नहीं देता।
रोहन की बात से उसका पार्टनर शिव अग्री करते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगा।